कप्तान बदल गया लेकिन पाकिस्तान की किस्मत कब बदलेगी? वेल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर यह सवाल उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सारे दांव पेच अपना चुकी है। मतलब हेड कोच बदल दिया, बैटिंग कोच बदल दिया, बॉलिंग कोच बदल दिया, सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत का कनेक्शन चेंज नहीं हो रहा। आपको जानकर बहुत 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 ज्यादा हैरानी हो सकती है कि लास्ट 12 मैचेस जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेले हैं उसमें केवल 2 मैचेस पाकिस्तान जीती है, बाकी वो सब हार गए। आखिरी 12 मैच में केवल 2 मैच जीते, उसमें से भी एक मैच जो था वो बांग्लादेश के सामने जीते थे और दूसरा मैच जो था वो न्यूजीलैंड वाला मैच था जो रद्द हो गया था बारिश की वजह से। मैच डकवर्ड लुइस से जीत गए थे, वो मैच भी पक्का नहीं था, डकवर्ड लुइस काम कर गया था। और इसीलिए मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि किस्मत क्यों नहीं बदल रही। इनफैक्ट शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट में तो चलिए मानिए कि टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने हार गई, वनडे में पाकिस्तान को स्टिल बहुत हाईली प्रेज नहीं किया था क्योंकि उन्हें गेंदबाज जो हैं 10 ओवर वाले नहीं लग रहे थे। शॉर्टर फॉर्मेट में मानता है कि पाकिस्तान में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ या जितने ही प्लेयर हैं ये सब शॉर्टर फॉर्मेट के लिए तैयार किए गए, लॉन्गर फॉर्मेट के लिए तैयार नहीं किए गए थे। उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो T20 वर्ल्ड कप 2022 जहां पाकिस्तान ने अच्छा किया था वहां पे 14 मैचेस के बाद खेले हैं और केवल 4, और 14 में से 4 मैच जीतना मतलब कहीं से भी किसी ग्रेट टीम की निशानी नहीं हो सकती है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान की किस्मत क्यों नहीं बदल रही, क्योंकि पाकिस्तान ने सब कुछ ट्राई किया। पहले कहा जा रहा था कि भाई शादाब खान की गेंद जो है वो घूमती नहीं है, आप उसामा मीर को लेकर आ गए, कहा गया गेंदबाज नहीं है, शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ, अब्बास अफरीदी जैसा गेंदबाज जो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, आमिर जमाल एक नसीम शाह नहीं है तो उनकी जगह अब्बास अफरीदी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। इन सारे गेंदबाजों के बीच में फिर सवाल वही कि भाई अब कहां मामला फंस रहा है और क्यों मामला फंस रहा है और किस लिए फंस रहा है, मतलब पाकिस्तान कहां गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पहला T20 मैच वो हार गए, सेकेंड T20 मैच में लोगों को उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा, नहीं कर पाए। सैम अयूब जिनको लेकर ऐसा लग रहा है कि हर इंसान आर्टिकल लिखने को तैयार है, हालांकि इज वेरी टैलेंटेड, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि उनको ओवर हाइप कर दिया गया। उनसे 19 टैलेंट इंडिया का यशस्वी जायसवाल नहीं है, जायसवाल भी सेम जगह से आए, सेम तरीके से खेलते हैं, और जो सैम अयूब का स्ट्राइक रेट है उससे 19 स्ट्राइक रेट नहीं है। सैम अयूब से ज्यादा कंसिस्टेंसी जो है वो यशस्वी जायसवाल की है, कम समय में टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में और T20 में, तीनों जगह पर अपना जलवा जो है वो जायसवाल ने बिखेर दिया, लेकिन उतनी चर्चाएं नहीं हो रही उनकी। अब जायसवाल की तुलना नहीं होती इतनी तो जायसवाल के फेवर में जाता है, वो चुपचाप अपना रन बना रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड अच्छे कर रहे हैं और काफी अच्छा रिमार्क छोड़ रहे हैं। सैम अयूब की शायद चर्चा इसलिए ज्यादा होती है, पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा एक्साइटिंग टैलेंट बहुत बल्लेबाजों में नजर नहीं आते। मतलब आप याद कीजिए कौन से सब प्लेयर है बीते 4-5 सालों में जो आया जो बहुत एक्साइटिंग टैलेंट था। अभी भी सारी चर्चाएं बाबर को लेकर ही होती हैं, उसके इर्द गिर्द कोई नहीं, बाबर भी उतना फॉर्म में नहीं रहे, इधर T20 में आ गए, टेस्ट और वनडे में नहीं रहे। हालांकि पाकिस्तान के बल्ले बल्ले है क्योंकि बाबर आजम T20 में फॉर्म में और T20 का ही साल वर्ल्ड कप है, तो ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है। बाबर को तो मैं पहले भी कहता हूं कि बाबर T20 में बहुत सारे बल्लेबाजों के रिकॉर्ड तोड़ देंगे और बेस्ट हो जाएंगे, ऑल टाइम बेस्ट, क्योंकि रोहित और विराट उनसे आगे हैं और रोहित और विराट का करियर बहुत लंबा T20 में नहीं है, तो ऐसे में बाबर उनसे आगे निकल जाएंगे। बाबर आजम के 3,608 रन हैं, रोहित शर्मा के 3,853 रन हैं और विराट कोहली के 4,008 रन हैं, तो यहाँ पर उनसे आगे निकलना मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और बाबर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, 2-4 सीरीज, 5 सीरीज, क्योंकि बाबर सारी सीरीज खेलते हैं और इंडिया के इतने T20 मैचेस है भी नहीं साल। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाने से पहले बहुत सारे मैचेस खेलने हैं और उन मैचेस में आई एम श्योर कि बाबर के बल्ले से रन निकलेंगे, वो कमाल कर जाएंगे। 50 रन बनाए उन्होंने इस मैच में, 43 गेंदों में 66 पे ऑल आउट आउट हुए, लेकिन तब तक वो अपना ठीक ठाक थे, मतलब बट जिता नहीं पाए। लेकिन पाकिस्तान में बाबर के अलावा कौन, मतलब हालांकि मैं मेरा पर्सनल फेवरेट पाकिस्तान बैट्समैन फखर जमान है, मैंने वर्ल्ड कप में भी कहा था, पोस्ट वर्ल्ड कप भी मैं कह रहा हूँ कि फखर जमान से बड़ा प्लेयर पाकिस्तान के पास नहीं, क्योंकि जिस मैच में वो चलते हैं वो मैच वन मैन शो होता है। 25 बॉल पे 50 रन बनाए, बीते 12 मैचेस में जो एक मैच पाकिस्तान ने जीता, 2 मैच जीते वो दोनों फखर जमान के थे, बांग्लादेश वाला मैच भी उन्होंने जिताया था और न्यूजीलैंड वाला मैच भी फखर जमान जिताया था, तो फखर जमान के इर्द गिर्द उनकी बैटिंग है।
रिजवान कंसिस्टेंट है, इस बार नहीं चल रहे अभी, वरना वो भी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अक्सर ठहर जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को सोचना होगा कि इतने मैचेस वो क्यों हार रहे हैं। आजम खान को एक अच्छा मौका मिला था, आजम खान ने दोनों मैच में डिसअपॉइंट किया है, बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे हिसाब से एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर, और मतलब अपने लिए मौका छोड़ा उन्होंने, क्योंकि विकेट कीपर अभी आपके पास रिजवान है, हैरिस उनके पास विकेट कीपर है, ऐसे में आजम खान को जो अपॉर्चुनिटीज मिली अगर उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते तो फिर कहां जाएंगे। गेंदबाजी में भी ठीक ठाक होकर भी सब कुछ नहीं, उनके स्पिनर्स उनके लिए प्रॉब्लम है, उसामा मीर नहीं कमाल कर पा रहे हैं और नवाज भी नहीं कर पा रहे हैं, शादाब खान को आपने ड्रॉप ही कर दिया है। सो ओवरऑल एक बिट्स एंड पीसेस में टीम चल रही है। शाहीन अफरीदी सामने से लीड नहीं कर पा रहे हैं अभी, दो T20 मैच में कैप्टन, दोनों मैच में उनकी हार, देखते हैं सीरीज का क्या होता है। लेकिन हमारा सवाल आपसे भी है कि पाकिस्तान क्यों इतने मैचेस हार रही है, आपका इस पर क्या टेक है, क्या आपको लगता है कहां गड़बड़ हो रही है पाकिस्तान जो इतने मैचेस हार रही है।